गुड इवनिंग एवरीवन। सो हियर वी हैव स्टार्टेड द न्यू चैप्टर दैट इज एनहांसमेंट इन प्रोडक्शन। आप सभी को पता है कि अपन ने एनहांसमेंट इन प्रोडक्शन ये चैप्टर चालू किया है। आज मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली आज का टॉपिक कौन सा चालू किया अपन ने। जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की है ग्रुप में मैंने डाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड किया है, एक लिंक है जहाँ पे आज का टॉपिक है। अगर आप टॉपिक देखोगे तो इसमें दिखेगा आपको कि जो पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। एक्चुअली प्लांट को ब्रीडिंग क्यों करना है अपने को, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। प्लांट का ब्रीडिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको डिजीज से रेजिस्ट कराना है, क्योंकि कई सारे के डिजीज इस प्लांट में हो सकते हैं, जैसे कि फंगाई डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है और वायरल डिजीज है। इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे फंगाई एक पैथोजन है जो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है प्लांट के यील्ड और प्लांट क्रॉप और प्लांट के यील्ड को कम कर सकता है। नौ फंगल डिजीज किस तरह के होते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि ब्राउन रस्ट होता है व्हीट पे, रेड रॉट होता है शुगर केन में, लेट ब्लाइट होता है पोटैटो में। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि सर ये ब्राउन रस्ट क्या है, रेड रॉट क्या है, लेट ब्लाइट क्या है। आपने कई सारे प्लांट्स देखे होंगे खास करके लीव्स है, या जैसे मैं ब्राउन रस्ट ऑफ वीट की बात करूँगा तो वीट की जो पत्तियाँ होती है उसमें रस्ट टाइप जैसे जंग लगती है ना, तो जंग लगने के बाद कैसे दिखता है तो वैसी ही उसी तरह का एक ब्राउन रस्ट लगता है वीट के पत्तियों पर, तो उसको अपन ब्राउन रस्ट कहते हैं। उसी तरह के जो शुगर केन की पत्तियाँ होती है उसमें रेड कलर की ऐसे एक रस्ट लगता है जिसको अपन रेड रॉट कहते हैं। वैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में भी किसी ना किसी तरह का कलरेशन ऊपर में दिखता है जो कि एक्चुअली फंगल डिजीज़ होता है। और पोटैटो आप खास करके घर पे रखते हैं तो कई दिनों के बाद आप देखते होंगे तो ऊपर में एक हल्का सा एक रस्ट उसमें दिखाई देता है जिसको अपन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ किस तरह के होता है, जिसमें ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स होते हैं और इसमें ब्लैक कलर का बैक्टीरियल डिजीज जब होता है तो उसमें ब्लैक कलर का एक रॉट कलर दिखता है उसमें। वायरल क्या है, खास करके टोबैको मोज़ेक वायरस है जो कि खास करके जैसे मेज़ की पत्तियां हैं मक्के की और उसी तरह के टोबैको की पत्तियां हैं और उसमें एक्चुअली वायरल डिजीज़ होने की वजह से उसमें बोर्स होती है, मतलब पत्तियों में छेद होती है, तो ये वायरल डिजीज़ की वजह से होता है। सो ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए कि अपन क्यों ब्रीडिंग कर रहे हैं प्लांट्स का ब्रीडिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको डिजीज़ से मुक्त कराना है और डिजीज़ रेजिस्टेंस कैपेसिटी उनमें बढ़ाना है ताकि इन सब डिजीज़ से बच सके। तो यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ के नाम दिए हैं जो कि डेवलप किया गया है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से और उनको मुक्त किया गया है प्लांट डिजीज से। सो वीट की एक वेराइटी है, उस वेराइटी का नाम है हिमगिरी। ये वेराइटी क्यों बनाई है, हिमगिरी वेराइटी कुछ डिजीज़ से रेजिस्ट करने के लिए बनाई गई है जैसे लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिल बंट। ये एक्चुअली डिजीज़ से इन डिजीज़ से बचाने के लिए इसे वीट क्रॉप वेराइटी को डेवलप किया है और इसको नाम दिया है हिमगिरी। सो कई बार क्वेश्चन आता है कि नेम द प्लांट्स विच आर डिजीज रेजिस्टेंट और नेम द क्रॉप वेराइटी विच आर डिजीज रेजिस्टेंट। सो हिमगिरी एक वीट की वेराइटी है जो कि रेजिस्टेंट होता है लीफ और स्ट्राइप रस्ट से और हिल बंट से। वैसे ब्रासिका दिया है, ब्रासिका का वेराइटी का नाम है पूसा स्वर्णिम जिसमें डिजीज़ हो सकता है वाइट रस्ट। तो वाइट रस्ट ये डिजीज़ से रेजिस्ट करके एक वेराइटी क्रॉप वेराइटी बनाई गई है जिसका नाम है पूसा स्वर्णिम। कॉलीफ्लावर, आप सभी जानते हो कॉलीफ्लावर क्या होता है। सो ये जो वेराइटी बनाई गई है जो डिजीज से रेजिस्ट करता है उसका नाम है पूसा शुभ्रा और जिन डिजीज से इनको रेजिस्ट कराया गया है दैट इज़ ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्राइट ब्लैक रॉट। वैसे चिली है, खास करके इसमें वायरल डिजीज होते हैं जैसे कि पूसा, इसका क्रॉप वेराइटी का नाम है पूसा सदाबहार, चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसमें वायरल कौन सा है, फंगल कौन सा है और बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा है। जिसमें ब्लैक रॉट लगा होता है खास करके वो बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। फंगल जो है खास करके वो रस्ट होता है, जैसे वीट में अगर आप देखोगे
यहाँ पे वीट में अगर आप देखोगे जो इसमें लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हील बर्नट है, खास करके ब्रासिका में अगर आप देखोगे तो इसमें वाइट रस्ट है। सो जो रस्ट डिजीज़ है एक्चुअली ये फंगल डिजीज होते हैं, और जो ब्लैक रॉट है जिस जैसे कि कॉलीफ्लावर में होता है उसको अपन बैक्टीरियल डिजीज़ कहेंगे, और जो मोज़ेक वायरस है जैसे कि ये चिल्ली में होता है तो ये वायरल डिजीज़ है। सो इन सारे डिजीज़ से मुक्त करके कुछ क्रॉप वेराइटीज़ बनाई गई है जिसको इसमें नाम दिया है, हिमगिरी फॉर वीट, पुसा स्वर्णिम फॉर ब्रासिका, पुसा शुभ्रा फॉर कॉलीफ्लावर एंड पुसा सदाबहार फॉर चिल्ली। सो होप ऑल यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। इसका मेन एम उद्देश्य क्या है, क्यों प्लांट्स को डिजीज से रेजिस्ट कराते हैं और क्यों इस तरह के प्लांट्स बनाई जाती है। सो आई थिंक योर आइडिया इज़ वेरी मच क्लियर। उसके बाद दिया है दैट इज़ म्यूटेशन ब्रीडिंग, यहाँ पे दिख रहा है आपको। म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अभी कई सारे प्लांट जो है वो ब्रीडिंग करके बनाई जाती है, लेकिन उसमें किस तरह का ब्रीडिंग करते हैं, यहाँ पे म्यूटेशनल ब्रीडिंग करते हैं। सो म्यूटेशन ये जो वर्ड है एक्चुअली ये रिलेटेड होता है जीनोटाइप से, जहाँ पे अपन हेरिटेबल चेंजेस लाते हैं उसके प्लांट्स में। हेरिटेबल चेंजेस मतलब आपको पता है कि उसका जो बेस पेयर सीक्वेंस होता है, उसके जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं उसमें किसी न कहीं ना कहीं अल्टरेशन लाई जाती है, उसके बेस सीक्वेंस को रिमूव किया जाता है और उसके बेस सीक्वेंस को अल्टर किया जाता है जिससे उसमें जेनेटिक चेंजेस आती है। और आपको पता है जेनेटिक चेंजेस होने से उसमें फिनोटिपिक जो फीचर्स होते हैं उसमें भी चेंजेस दिखाई देती है। अभी यहाँ पे कुछ एजेंट्स दिए हैं जैसे कि नेचुरल म्यूटाजेंस है और केमिकल म्यूटाजेंस है। नेचुरल म्यूटाजेंस कौन कौन से है, जिसको अपन फिजिकल म्यूटाजेंस भी कहते हैं। फिजिकल म्यूटाजेंस में जैसे कि हाई टेम्परेचर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है, एक्स रेज है, यू वी रेज है। सो ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स है जिसको अपन फिजिकल म्यूटाजेंस कहते हैं, और ये फिजिकल म्यूटाजेंस जो है वो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में चेंजेस लाते हैं, उसमें अल्टरेशन लाते हैं, जिसके वजह से उसमें जीन म्यूटेशन होता है और क्रोमोसोमल चेंजेस भी होती है। वैसे यहाँ पे केमिकल म्यूटेजेंस है, केमिकल म्यूटेजेंस आर मेनली रिलेटेड टू द केमिकल मॉइटीज और केमिकल एंटाइटीज। सो हियर द एग्जांपल्स आर नाइट्रस एसिड, EMS, मस्टर्ड गैस, कोल्चिसिन, दीज आर सम केमिकल म्यूटेजेंस और द केमिकल एजेंट्स विच विल ब्रिंग द म्यूटेशन इन द प्लांट्स। अब ये सारे जो म्यूटेजेंस अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक ही मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्लांट्स में म्यूटेशनल ब्रीडिंग इसलिए कर रहे हैं अपन क्योंकि उसमें डिजायर्ड चेंजेस चाहिए अपने को। और जो भी सीडलिंग्स अपन ट्रीट कर रहे हैं वो क्यों ट्रीट कर रहे हैं, या म्यूटेशन से हो या कोई और मेथड से हो, क्यों अपन ये सारे ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक द प्लांट्स रेजिस्टेंट टू डिजीज द पेस्ट, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्लांट्स एंड टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ द प्लांट। तो ये सारी चीज़ों के लिए अपन ये म्यूटेशन करते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो म्यूटाजेंस विच कॉज द जीन म्यूटेशंस एंड क्रोमोसोमल एब्रेशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूटेजन क्या करता है, जीन में म्यूटेशन लाता है, मतलब जीन के बेस पेयर सीक्वेंस में चेंजेस लाता है। और जो भी सीडलिंग्स अपन इस तरह से म्यूटाजेनिक एजेंट्स यूज़ करके ट्रीट करते हैं वो डिजीज से मुक्त हो जाते हैं, पेस्ट से मुक्त हो जाते हैं और उसमें हाई यील्ड आ जाता है। तो यही इसी तरह का कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि जगन्नाथ वैरायटी ऑफ राइस। जगन्नाथ वैरायटी क्या है, ये एक म्यूटेशनल ब्रीडिंग है जिसमें म्यूटेशन लाया गया है इन प्लांट्स में ताकि वो डिजीज से मुक्त हो या पेस्ट से मुक्त हो, उसकी यील्ड बढ़े और उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़े हैं। तो ये एक वैरायटी है, राइस की एक वैरायटी है जिसका नाम है जगन्नाथ, जिसमें म्यूटेशनल ब्रीडिंग किया गया है। वैसे एक वीट की वैरायटी है जिसको नाम दिया है NP836 वैरायटी, जो रस्ट रेजिस्टेंट है, और ये इस तरह की वैरायटी है जो कि अपन ने म्यूटेशनल ब्रीडिंग से बनाया गया है या म्यूटेशनल ब्रीडिंग यूज़ करके बनाया है। वैसे एक कॉटन की वैरायटी है जिसको इंदौर 2 वैरायटी कहा जाता है। ये कॉटन की एक वैरायटी है जो बॉल वॉर्म, आपको पता है कि कॉटन की जो पत्तियाँ होते हैं वो पत्तियों के ऊपर आपने वर्म्स देखते होंगे, बॉल वर्म्स। तो ये बॉल वर्म्स क्या कहते हैं, पत्तियों को खा डालते हैं तो उसमें ये डिजीज़ फैलाते हैं जिसके वजह से उसकी यील्ड और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है।
तो इन प्लांट्स को डिजीज मुक्त करने के लिए यहाँ पर म्यूटेशनल ब्रीडिंग यूज़ किया जाता है, और म्यूटेशनल ब्रीडिंग यूज़ करके ही एक वेराइटी बनाई है कॉटन की, जिसको अपन इंदौर टू वेराइटी कहा जाता है। वैसे कैबेज है, कैबेज में खास करके बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, जिसको अपन बैक्टीरियल रॉट कहते हैं, और इस डिजीज़ से मुक्त करने के लिए म्यूटेशनल ब्रीडिंग यूज़ करके एक वेराइटी बनाई गई है, जिसका नाम है रेगिना टू वेराइटी। सो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं वेराइटीज़ का, जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग से बनाई गई है। सो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि प्लांट्स को डिजीज़ रेजिस्टेंस, मतलब डिजीज़ से बचाने के लिए कौन कौन से ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड होप यू एन्जॉय दिस सेशन, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।